हेलो बच्चों, कक्षा 12वीं की क्लास अर्थशास्त्र कला और वाणिज्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीप्ति शर्मा, आज आपको आपने पहले राष्ट्रीय आय लेखांकन, राष्ट्रीय आय में आपने पढ़ा था उत्पादन विधि। तीन विधियाँ होती हैं, आपको मैंने पहले बताया था बेटा, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो अपन उत्पादन विधि पढ़ चुके हैं, उसकी गणना पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों आय विधि। तो आय विधि क्या है? आय विधि आय गणना विधि राष्ट्रीय आय को मापने की दूसरी विधि है। मतलब जो आय गणना विधि है वो राष्ट्रीय आय की मापने की कौन सी विधि है बेटा? दूसरी। यह विधि सर्वविदित है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों, मतलब जो उत्पादन हो वस्तुओं की सेवाओं और उत्पादन होता है, उसकी उत्पत्ति के विभिन्न साधन जैसे भूमि, पूंजी एवं साहस के सामूहिक प्रयत्नों का क्या है? ये परिणाम है। तो उत्पादन के इन साधनों में इनके योगदान के बदले में लगाया जाता है, इनके मतलब जो उत्पादन के साधन हैं उनका योगदान के बदले में लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ के रूप में इन्हें पुरस्कार में दिया जाता है। जब अपन काम कोई कार्य करते हैं ना, तो उसके बदले में अपन को क्या प्राप्त होता है? वेतन। अतः उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली आय साधन आय कहलाती है। मतलब जो उत्पादनों के साधनों से जो प्राप्त होती है अपन को आय, वो कौन सी आय कहलाती है? साधन आय कहलाती है। उत्पादकों की दृष्टि में यह साधन भुगतान भी कहलाता है। एक देश की राष्ट्रीय आय को निश्चित अवधि के उत्पाद में सभी विषयों द्वारा प्राप्त की गई कुल आय के योग के रूप में उत्पादन के इन साधनों को उत्पादकों द्वारा किए गए भुगतान का, मतलब जो उत्पादन के साधनों को जो उत्पादकों द्वारा भुगतान के योग के रूप में ज्ञात किया जाता है, इसे साधन भुगतान योग भी कहते हैं। तो एक देश की राष्ट्रीय आय को एक निश्चित अवधि में, मतलब किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को केवल निश्चित अवधि में ही, मतलब उनकी अवधि निश्चित होती है, उत्पादन के सभी साधनों द्वारा प्राप्त की गई आय के योग में उत्पादन के साधनों को उत्पादकों द्वारा किए गए भुगतान के योग में क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। इसे हम साधन भुगतान योग भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय द्वारा राष्ट्रीय आय मापने के कदम। तो राष्ट्रीय आय मतलब आय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित रूप से की जाती है। तो पहला है उत्पादक उद्यमों की पहचान, मतलब जो उत्पादक हैं, उद्यम हैं, उनकी पहचान व उनका वर्गीकरण। सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था के उन सभी उत्पादकों और उद्यमों की पहचान कर ली जाती है जो उत्पादन के साधनों में प्रयोग करते हैं। तो जो उद्यम होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था के लिए उनका उत्पादक साधकों में प्रयोग करते हैं, तीन प्रकार से करते हैं। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में बेटा कृषि भूमि, कृषि पशुपालन ये सब आता है ना। और द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, आपको इन तीनों क्षेत्र में। फिर द्वितीय क्षेत्र में यह जो कच्चे माल से निर्मित होते हैं, माल में परिवर्तित होते हैं, ये द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। और तृतीय क्षेत्र वे होते हैं जिसमें, द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं बेटा? जिसको कच्चे माल को निर्मित करके माल में परिवर्तित किया जाता है, उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तो आय विधि में भी इसका मुख्य योगदान है। फिर तृतीय क्षेत्र में इसका क्या आएगा, क्या योगदान है? सेवा व उत्पादनकर्ता के तृतीय क्षेत्र कहलाता है। इन क्षेत्रों को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार आदि सब आते हैं। साधन आय का वर्गीकरण, मतलब जो साधन आय है उसको, ये दूसरा वो है साधन आय का वर्गीकरण। साधन आय को मुख्य रूप से निम्नलिखित रूप से तीन भाग, मतलब निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है मजदूरी और वेतन। ये क्या है बेटा? ये साधन आय का वर्गीकरण। इसके पहले आपने पढ़ा कि वर्गीकरण के क्षेत्र, इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं? तीन क्षेत्र हैं। अब से है साधन आय का वर्गीकरण। तो मजदूरी, आय के जो साधन होते हैं मजदूरी और वेतन। कर्मचारियों को उनके द्वारा कार्य
करने के बदले। बेटा आपने मजदूरी और वेतन, तो कर्मचारियों को मजदूरी और वेतन कैसे मिलता है? मजदूरों में मजदूरी किसे कहते हैं? जो कर्मचारियों को उनके कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मजदूरी कहा जाता है। इसमें मजदूरों को दिए जाने वाले विभिन्न निःशुल्क सुविधाएं, मतलब जिस कंपनी में अगर कोई उद्योग में कोई काम करता है तो उसको जो सुविधाएं दी जाती हैं मिल की तरफ से, भोजन, चिकित्सा सुविधा, है ना, सस्ता भोजन, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षाएँ, ये सब क्या दिया जाता है? दिया जाता है। फिर कर्मचारियों को, फिर है लगान, भूमि, स्वामी, मतलब जो लगान है। कर्मचारियों को पारिश्रमिक भी दिया गया, मजदूरी अफसरों और क्लर्क दोनों को क्या दिया जाता है? वेतन और पेंशन भी इसमें शामिल किए जाते हैं। आय में, राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में मजदूरी सब प्रकार के शामिल, सब प्रकार की शामिल की जाती हैं, जैसे महंगाई भत्ता हो गया, यात्रा भत्ता हो गया, शहर भत्ता हो गया, स्वास्थ्य व स्थान भत्ता आदि। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और अन्य सब मंत्री जो होते हैं और विधानसभा, नगर पालिका, विभिन्न सदस्यों को दिए जाने वेतन भी, दिए जाने वाला वेतन भी इसमें क्या होता है? शामिल होता है। फिर है लगान, भूस्वामी के भूमियों के उपयोग के बदले में, मतलब जो भूस्वामी होते हैं, भूस्वामी मतलब जिनके पास भूमि है ना, तो उन पर लगान लगता है, लगान मतलब कर। तो भूस्वामियों को भूमि के उपयोग के बदले में या मकान मालिक को दिए जाने वाला भुगतान लगान कहलाता है, जिससे ना कमाई हुई आय भी कहते हैं। साथ ही उस भूमि या मकान का किराया भी लगान में शामिल किया जाएगा जिसमें वह स्वयं भी रह रहा है, क्योंकि अब आपका स्वयं का मकान है तो आप उसका भी कर लगान देते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? कर, है ना, उसको भी अपन चुकाते हैं कर को। स्वयं जो रह रहा है, क्योंकि यदि वह किसी भी भूमि या मकान का उपयोग करता है तो उसे भी लगान या किराया देना होता है। आप स्वयं के निजी भवन पे भी रहोगे तो आपको लगान या किराया, लगान मतलब कर, देना होता है। इस प्रकार राशि के प्रत्यक्ष रूप से स्वयं को भुगतान करना कर रहा है, इसे आरोपित किराया या लगान भी कहते हैं। मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से अपन जो देते हैं, स्वयं के भुगतान कर रहा है तो उसे आरोपित किराया या लगान भी कहते हैं। आय गणना विधि के अनुसार आर्थिक और आरोपित लगान दोनों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो अपन कर दे रहे हैं, जो अपन किराया दे रहे हैं, या इसे आर्थिक और आरोपित लगान दोनों राष्ट्रीय आय में क्या हैं? सम्मिलित हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है ब्याज। ब्याज से अभिप्राय उस राशि से है जो ऋणी, मतलब एक ऋणी जो होता है ऋणदाता को उसकी पूंजी के उपयोग के बदले में देता है। मतलब अपन मान लीजिए अपन ने बैंक से ऋण लिया तो अपन उसको ब्याज सहित लौटाते हैं ना बेटा, तो अपन उसका दुगना तिगना ब्याज देते हैं। तो ब्याज से अभिप्राय है उस राशि से है जो ऋणी ऋणदाताओं को उसकी पूंजी के उपयोग के बदले में देता है। इसी प्रकार ब्याज बैंक में जमा रकम, मतलब अपनी जो राशि जमा है बैंक में, अपन जो जमा रकम करते हैं तो साल में एक बार अपन को उस पर भी ब्याज मिलता है। वित्तीय संस्थाओं के जमा पर, बॉन्ड्स पर, विनिमय पत्रों पर, प्रतिज्ञा पत्रों पर आदि वित्तीय दावों के बदले में अपन को प्राप्त होता है क्या? आप देखो, अपन विनिमय पत्र वगैरह खरीदते हैं तो उसको अपन जब पैसा जमा करके जब विनिमय पत्र खरीदते हैं तो अपन को 5 वर्ष बाद उस पर दुगना ब्याज मिलता है। फिर लाभांश व अवितरित लाभ, एक उत्पादक इकाई को जो कुल लाभ प्राप्त होता है उसका प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है। लाभांश या अवितरित लाभ, लाभांश मतलब जो अपन को प्राप्त हो रहा है और आवितरित लाभ जो अपन किसी को दे नहीं है, आवितरित लाभ है ना, तो लाभ का एक भाग उसके उपयोग अंशधारियों में बांटा जाता है। जो लाभ का एक भाग होता है वो इसके लाभांश कहा जाता है। लाभांश का एक भाग सरकार को निगम लाभ कर के रूप में
भुगतान किया जाता है। इसमें एक भाग उत्पादक इकाई अपने पास सुरक्षित कोष के रूप में रख लेते हैं और जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, इसे आप वितरित लाभ भी कह सकते हैं। तो ये आपका मतलब जो लाभांश और आवितरित लाभ हैं वो कैसे होते हैं, लाभ का एक भाग उसके अंशधारियों को बांटा जाता है उसे लाभांश कहा जाता है। मतलब जो अंशधारियों को जो बांटे जाते हैं, जो किसी कंपनी के अंशधारी होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लाभांश कहा जाता है। लाभ का एक भाग सरकार को निगम लाभ कर के रूप में भुगतान किया जाता है। मतलब जो निगम में कर वगैरह जमा होते हैं ना उसे निगम लाभ कर के रूप में भुगतान किया जाता है, इसमें निगम लाभ कर कहा जाता है। लाभ का एक भाग उत्पादक इकाई अपने पास सुरक्षित कोष के रूप में रख लेते हैं जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, इसे आप वितरित लाभ कहा जाता है। बच्चों कल आपको इसके आगे के पॉइंट्स आपको बताऊंगी मैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको बताऊंगी जो आने वाले टेस्ट में आपको देने हैं। तो आप सारे पीडीएफ्स देखोगे बेटा और कॉपी में लिखोगे, याद करोगे, क्योंकि बेटा आपके दो टेस्ट होने हैं, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।